सब दोस्तों, मेरा नाम ईशान और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक और नए मोबाइल के बारे में जो कि ओप्पो की तरफ से, और वो है ओप्पो के 11 प्रो। अब दोस्तों, इसका लॉन्च आज ही है, वो भी मुंबई में ही है, तो इसमें क्या क्या दोनों फीचर्स आपको मिल सकते हैं देखने के लिए, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों आप देखते रहिए आखिर तक, और हो सकता है कि बाद में ये मोबाइल आपकी चॉइस हो सकता है अगर आप लेना चाहें तो। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की तरफ से जल्द ही लॉन्च हो रहा है ओप्पो F11 Pro, और इसका लॉन्च इवेंट आज ही है जो कि मुंबई में ही है। तकरीबन 5:30-6 बजे के करीब आपको लॉन्च इवेंट देखने के लिए मिल सकता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप डायरेक्टली जाके लॉन्च इवेंट देखना चाहते हैं मतलब यूट्यूब पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक बार आप चेक कर लेना और उसके बाद में वहाँ पर आप लॉन्च इवेंट देख सकते हैं। दोस्तों, इस फोन की कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस है जिसमें से मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में, तो ये पूरा बेजल लेस फोन है क्योंकि इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी फोन में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है तो उसका डिस्प्ले पूरा बेजल लेस हो जाता है। और इसके रेशो के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें आपको फोन का रेशो मिलता है 19.5:9, मतलब काफी सारा जो है ना स्क्रीन टू बॉडी रेशो कवर्ड है। तो इसके लिए जो है ना दोस्तों, आपको वीडियो देखने में या आपको कोई भी चीज़ मतलब अपने फोन को एक तरीके से डिस्प्ले यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपको होने वाला है इस फोन में। तो सर, बाकी बात करोगे डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको फुल HD+ का डिस्प्ले मिल जाता है जिसका रेजोल्यूशन रहेगा 1080p x 2340। बात रही इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ऑब्वियसली इसमें आपको MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि MediaTek की तरफ से एक हाई एंड प्रोसेसर है फिलहाल अभी तक। और ये दोस्तों रैम के हिसाब से सिर्फ एक ही वेरिएंट में आप लोग देखने के लिए मिलेगा जो कि 6GB का रैम। बाकी स्टोरेज के हिसाब से आपको इसमें दो वेरिएंट देखने के लिए मिल सकते हैं, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और साथ ही साथ में 128GB का इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों, कैमरे के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इस फोन में आपको रेयर में ही डुअल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है जिसमें से एक रहेगा 48MP का और सेकेंड इसका सेंसर जो रहेगा वो है 5MP का, जबकि जो इसका सेल्फी पॉपअप कैमरा है वो है 16MP का। अब दोस्तों, 48MP का कैमरा जो मैंने आपको बताया है, तो अभी तक इस बारे में कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू 48MP का कैमरा है या नहीं। ट्रू का मतलब होता है कि सिर्फ बॉक्स के ऊपर 48MP लिखा हुआ है या बाद में भी सेटिंग्स में आपको 48MP मिलेगा या नहीं। क्योंकि जनरली दोस्तों होता क्या है कि कोई कोई कैमरा मोबाइल जो है ना, ये क्लेम करते हैं कि ये 100 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन जब आप उसको कैमरा की सेटिंग्स में जाके देखते हैं तो वहां पर आपको जो ना मेगापिक्सल्स थोड़े कम दिखते हैं। तो अभी तक ये पता नहीं लगा है दोस्तों कि ये ट्रू 48MP कैमरा है या नहीं Redmi Note 7 Pro की तरह। तो अब बात आती है इसके बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो जहां तक ये बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको 4000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी बैटरी बैकअप हो सकती है। और दोस्तों, ये बैटरी जो है ना वो वूक चार्ज 3.0 भी सपोर्ट करेगी। अब दोस्तों, वूक चार्ज अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त फास्टेस्ट बैटरी चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वूक चार्ज। जहां तक मैं आपको अंदाजा बताऊंगा, तो ये 60 मिनट्स में तकरीबन एक घंटे में आपके मोबाइल को 90-95% चार्ज कर देती है, जो इस फोन में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज और ये बता देता हूं कि इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसमें होगा। अब ये जो भी स्पेसिफिकेशन है, ये कुछ एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन है, ऑब्वियसली बिल्कुल ज्यादा फर्क भी नहीं होगा और बिल्कुल ज्यादा सेम भी नहीं हो सकता। ये तो आप इसके लॉन्च इवेंट पे ही देख सकते हैं, इसका लॉन्च इवेंट आप देख लीजिए अगर आप फ्री रहेंगे तो 5:30-6 बजे के टाइम पे ये लॉन्च इवेंट चालू हो सकता है। दोस्तों, बात करूंगा इसके प्राइस के बारे में, तो ऐसे बताया जा रहा है कि ये मिड रेंज प्राइस का फोन है, जहां पर पता लगा है कि ये 25,990 में लॉन्च हो सकता है। तो 26,000 रुपीज ही हो गए, 10 रुपए ही कम है, तो 26,000 में ये फोन लॉन्च हो सकता है। दोस्तों, जहां तक परफॉर्मेंस की मैं आपसे बात करूंगा, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें MediaTek का हीलियो P70 प्रोसेसर है। अब दोस्तों, MediaTek के प्रोसेसर के ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली ये भले ही एडवांस प्रोसेसर है हीलियो मतलब MediaTek की तरफ से, लेकिन फिर भी दोस्तों जब तक फोन का परफॉर्मेंस हम नहीं देख लेते उसके बाद में जब तक हम कुछ भी बोल नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं होने चाहिए, लैगिंग इश्यूज नहीं होती, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। हाँ, इसकी जगह पर ऑब्वियसली अगर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर होता तो आपको एक अश्योरिटी मिल जाती, खाली ऐसा वर्बल रिव्यू देके भी कि हाँ यार फोन मतलब अच्छा हो सकता है क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, लेकिन MediaTek का प्रोसेसर कब धोखा दे देता है पता नहीं चलता। तो इसी वजह से दोस्तों प्रोसेसर के हिसाब से अभी वर्बल रिव्यू में जो है ना मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता जब तक इसका फोन का परफॉर्मेंस आपको नहीं पता लग जाए।
तो दोस्तों यही हुआ छोटा सा रिव्यू ओप्पो F11 Pro के बारे में। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझसे जरूर बताइए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स कॉलम में आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब देने की। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर आपने अब तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमें बहुत जरूरत है दोस्तों इस वक्त शेयरिंग की, हमें बहुत जरूरत है इंशाल्लाह इस वक्त जो है ना आपके सपोर्ट की। दोस्तों आपका सपोर्ट रहेगा इंशाल्लाह तो जल्द से जल्द जो है ना हमारे चैनल पे हम 10,000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल तो यही मोटिव है कि जल्द से जल्द जो है ना वो 10,000 सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाए, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह आपके सपोर्ट से। तो जल्द से जल्द जो है ना दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।